अभी तक इन्वायरमेंटल इश्यूज में जो सबसे बड़ा इश्यू है दैट इज द एयर पोल्यूशन। और इस एयर पोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चीज़ है वो है फोटोकेमिकल स्मोग। ये फोटोकेमिकल स्मोग इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो डेवलपमेंट के साथ है। जो भी सिटीज़ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे, जो भी सिटी जहाँ पे हैवी ट्रैफिक का फ्लो होता है, वहाँ पे ये एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क यानी सुबह और शाम के वक़्त जो है वो इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जिसको फोटोकेमिकल स्मोग कहा जाता है। इस फोटोकेमिकल स्मोग में एक्चुअली होता ये है कि कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। लाइक प्राइमरी पोल्यूटेंट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारे पास ओजोन और पॉरोक्सीएसीटाइल नाइट्रेट जिसको पैन भी कहते हैं, दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद नाइट्रोजन। ये वाले जो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट होंगे ये अर्थ की सरफेस के पास पास होंगे, ये जो है वो ऊपर सर्कुलेट नहीं कर सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे, और इसका जो रिलेशन है वो टोपोग्राफी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ये पोल्यूटेंट अर्थ की सरफेस के साथ साथ होंगे, और जब सन की रेज इस पे जो है वो एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क, एट द टाइम ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग या जो है वो शाम के वक्त जब इसमें सूरज की रोशनी जो वो ट्रैप हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, तो हमें जो है वो इस तरह से फोगी कंडीशन नज़र आएगी, स्मोगी कंडीशन नज़र आएगी, और इस स्मोगी कंडीशन को फोटोकेमिकल स्मोग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रही है इस पिक्चर में, या फिर हमारे पास ये देखें, ये इंडिया में जो है ये इस पे सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे दिल्ली गेट पे, और पाकिस्तान में यहाँ पे देखें ये जो है वो यादगार पे मीनारे पाकिस्तान पे, या ये बादशाही मस्जिद में यहाँ पे ये ऐसे सिचुएशन नज़र आ रही है। ये सुबह और शाम के वक्त मोस्टली ऐसी सिचुएशन ऑब्जर्व की जाती है। ये जो फोटोकेमिकल स्मोग है, जैसे पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था कि ये टोपोग्राफिक जो होती है एक एरिया की, ये इसमें मेजर रोल प्ले करती है। अब इसमें होता क्या है, अगर कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जिनमें ऐसा है कि वहाँ पे जो वैली टाइप सिचुएशन है जिसमें जो है वो हाई माउंटेन से वो सराउंडेड एरिया है, तो इस सराउंडेड एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो एयर होगी, एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली कन्वेक्शन साइकिल एक होता है। इस कन्वेक्शन साइकिल में क्या होता है कि जो एयर हॉट होती है वो लाइटर हो जाती है, और वो लाइटर एयर होने की वजह से, वार्म एयर होने की वजह से वो ऊपर को मूव कर जाती है, और ऊपर जो हायर डेंसिटी वाली एयर होती है जो कि कोल्ड एयर होती है वो इसकी जगह पे सिंपली ये यहाँ पे नीचे जगह लेती है। तो इसलिए एक सर्कल या एक साइकिल चलता रहता है, जैसे जिसको कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ हाउस होल्ड ए सी में भी ऐसे होता है, हम ऊपर विंडो में ए सी फिट करते हैं, यहाँ पे आपका ये रूम है तो यहाँ पे ए सी फिट किया होता है, और ये ए सी की कोल्ड एयर जो है वो ठंडी हवा यहाँ से ये ऐसे आती है, और यहाँ से हमारे जो रूम की जो है वो गर्म हवा ऐसे ऊपर उठती है, और यहाँ पे हमने विंडो कॉर्नर पे ऊपर रूफ के साथ, टॉप रूफ के साथ एग्जॉस्ट फैन लगाए होते हैं जिससे ये गर्म हवा बाहर निकल जाती है। सेम यही फिनोमिना जो है वो नेचर में भी रन हो रहा है जिसको कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पे ये वाला अगर सिटी है और ये ऐसे सराउंडेड है हाई माउंटेन से, और ये वैली टाइप ऐसे सिचुएशन है इसमें, तो ये जो हाई माउंटेन होंगे ये इसके कन्वेक्शन साइकिल को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ पे हवा की ऐसे सर्कुलेशन नहीं हो सकेगी जिस तरह के ओपन एयर जो सिटीज़ होंगे वहाँ पे होती है, जिसकी वजह से ये एयर जो है वो इस तरह से ट्रैप रहेगी, और ये जो लो लेवल की वार्मर एयर होगी इसके अंदर जो हमारे पास इंडस्ट्रियल या हैवी ट्रैफिक से जो पोल्यूटेड एमिट होंगे, एग्जॉस्ट फैन से एमिट होंगे, वो यहाँ पे इसके अंदर ट्रैप रहेंगे, और जब सन की रेज यहाँ पे सुबह के टाइम या शाम के टाइम यहाँ पे होंगे तो वो डेफिनेटली इसको जो है वो डिस्पर्स करेंगे, जिसकी वजह से अर्ली इन द मॉर्निंग एंड जो अर्ली बिफोर द सनसेट जो वो अंधेरा नज़र आएगा, रोशनी डिस्पर्स हो रही होगी, तो ऐसी कंडीशन को जो है वो फोटोकेमिकल स्मोग कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है। अब इसके जो हमारे पास नॉर्मल साइकिल है, जैसे वो पिछली स्लाइड में डिस्कस हुआ कि वो है कन्वेक्शन साइकिल, अब इसमें जो उलट प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोग का फिनोमिना सबसे ज़्यादा ओबिवियस होता है, दैट इज एडविक्शन या रेडिएशन इन्वर्शन।
ये एडविक्शन और रेडिएशन इन्वर्शन क्या है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ये वार्म एयर है, ये वार्म एयर ऐसे ऊपर जा रही है और यहाँ से जो कोल्ड और हाई डेंसिटी वाली एयर होगी वो यहाँ पे नीचे आ रही, लेकिन एक्चुअली जो इसमें थर्मल इन्वर्जन हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ये कोल्ड एयर है ये यहाँ पे और इसके ऊपर यहाँ पे ये वार्म एयर है और इस पे एयर का प्रेशर आ जाता है क्योंकि ये एयर सर्कुलेट नहीं हो रही टोपोग्राफी की वजह से, तो ये इस वजह से ये एयर यहाँ पे ट्रैप रह जाती है। ये देखें यहाँ पे ये वार्मर एयर वापस यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ पे भी ये वार्मर एयर वैसे वापस यहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो राइट कॉर्नर में पिक्चर दिखाएगी यहाँ पे, ये क्या होगा, जो एयर जिसमें पोल्यूटेंट मौजूद होंगे वो राइज नहीं कर सकेगी, जैसे यहाँ पे विदाउट इन्वर्जन दिखाया गया कि इसमें जो पोल्यूटेड एयर है वो राइज कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये राइज नहीं कर पा रही, इसलिए वो पोल्यूटेड एयर जो है वो यहाँ पे इस पॉपुलेटेड एरिया के साथ ही होगी, जिसकी वजह से वो जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक वाली सिचुएशन होगी। इसमें ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की वजह से होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन। ये रेडिकल ऑक्सीजन जो है ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ मिलकर ओजोन बनाएगा जो कि एक इसमें पोल्यूटेंट है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। उसके तहत ओजोन इज नॉर्मली कंज्यूम्ड बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इससे नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोबारा से भी बन सकते हैं। और एक साथ में हमने पढ़ा कि इसमें एक जो पोल्यूटेंट है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास, लाइक गैस है, लाइक हमारे पास पेट्रोलियम है, उससे ये हर वक्त जो है वो एवेपोरेट होकर हमारी हवा में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो परोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट्स हैं जिसको पैन भी कहते हैं, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन से, इनके कम्बिनेशन से बनते हैं, तो ये एक और हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द सॉइल, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से भी ये प्रोड्यूस होते हैं, और बुश फायर से भी, क्यों जहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग होगी उससे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल द पावर प्लांट एमिशन, ये भी एक मेजर सोर्स है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली बाय वेपोरेशन ऑफ टर्पीन्स, ये हाइड्रोकार्बन जो ऑयल के अंदर होते हैं ये एक पर्टिकुलर किस्म की स्मेल या फ्रेगरेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, आप उसे स्मेल ही कहेंगे, फ्रेगरेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्रेगरेंस जो होता है वो गुड स्मेल के सेंस में आता है, तो ये जो है वो स्मेल प्रोड्यूस हो रही होगी। यूकलिप्टस है, अगर हम उसके जो लीव्स लेकर उसको हाथ में मसल के स्मेल करेंगे तो भी एक पर्टिकुलर किस्म की स्मेल आती है, जिनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ये जो है ये पोल्यूटेंट हैं जो फोटोकेमिकल स्मोग काज करेंगे। अगर इसके इफ़ेक्ट्स में देखा जाए तो जो भी एयर पोल्यूशन होगी वो क्या करेगी, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारे लंग्स को जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करेगी। यस, फोटोकेमिकल स्मोग इंजीरियस टू द ह्यूमन हेल्थ, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होंगे ये हार्ट और लंग्स डिजीज को काज करेंगे, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओजोन एंड परोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट्स विल कॉज आई इरीटेशन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। दिस ब्राउन हेज जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं कैन रिड्यूस आर इवन स्टॉप द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ये बात समझनी भी बहुत ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि हमें लाइट जो उसका इनपुट है, लेकिन अगर आपको सुबह के 9-10 बज गए और लेकिन लाइट सारी की सारी इस स्मोक की वजह से डिस्पर्स हो रही है, तो और शाम के 4-5 बजे फिर से अंधेरा छाना शुरू हो गया, तो डेफिनेटली पौधों को जो है वो लाइट का ड्यूरेशन कम मिलेगा, और इस कम लाइट के ड्यूरेशन की वजह से उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। पैन इज मोर टॉक्सिक इन प्लांट देन ऑल द अदर पोल्यूटेंट, ये सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजरस है, क्यों, रिजल्ट इन आई इरीटेशन, डैमेज टू द वेजिटेशन एंड स्किन कैंसर, एंड द सेल्स ऑफ द लीव्स कोलैप्स एंड लीफ लाइक लुक लाइक वाटर सॉक। ये देखिए ये नॉर्मल लीफ यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर फोटोकेमिकल स्मोक होगी तो इस वजह से ये देखें इस लीफ की सरफेस के ऊपर जो है वो वाटर लीजन जैसे नज़र आ रही हैं, यानी जैसे छोटे फिंसियाँ या छोटे लीजन्स होते हैं, छोटे आबले बन जाते हैं, इस तरह से ये लीफ की सरफेस के ऊपर जो इस तरह से ये बन जाएंगे। दैट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द परोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट एंड फोटोकेमिकल स्मोक।
अदर ग्राउंड लेवल ओजोन, ओजोन हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है जो कि क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर रही है, तो डेफिनेटली वो तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड पे ओजोन होगी हमारे जो है वो यहाँ पे जहाँ पे हम रेस्पायर जिस जोन में कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ओजोन होगी तो इट विल कॉज कफिंग, वीजिंग, आई इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ग्राउंड लेवल ओजोन आल्सो काजेज क्रैक्स इन रबर, ये देखें ये टायर या रबर में, ये देखें ये इस तरह से ये क्रैक इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा जो पेंट्स होते हैं वो भी फट जाते हैं, ये बस्ट हो जाते हैं, इनमें क्रैक आ जाते हैं। और ये हमारे जो आर्ट होता है, आर्ट वर्क है, इसको भी ये डैमेज करता है। ये देखें ये इसकी ये स्ट्रक्चर इन्होंने ख़राब किया हुआ है, दैट इज ड्यू टू द ओजोन लेवल। सो द लास्ट थिंग जिसमें जो हमने देखनी होती है, उसमें हमने इसको मिनिमाइज करना है। तो हमने मिनिमाइज करना है या कंट्रोल मेयर में हमारे पास यही है कि हम क्या करें, जो इसके कॉजिटिव एजेंट है, जो इसके सोर्सेज हैं, हमने उनको लिमिट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, हमने इनकी रिडक्शन को रोकना है। तो यस वी हैव टू यूज़ कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हम क्या करेंगे, गाड़ियों में के जो सिलेंसर होते हैं, हमने कहा कि ये पोल्यूटेड, हाई पोल्यूटेड एरिया ड्यू टू द ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक होता है, तो हम क्या करेंगे गाड़ियों की सिलेंसर में जो है ना वो कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो यूज़ करें। और ये कैटलिटिक कन्वर्टर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे ये इसको नाइट्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। जिस और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो एयर में 78% एंड 21% रिस्पेक्टिवली होती है, तो ये इससे कोई इशू काज नहीं करती। लो टेम्परेचर ऑफ कम्बशन, क्योंकि कम्बशन से भी ऐसे होता है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने उसको लो टेम्परेचर कम्बशन के नाल सो रिड्यूस द एमिशन ऑफ नॉक्स। यूज़ ऑफ सी एन जी एंड एल पी जी रादर देन द पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल यूज़ करेंगे तो उससे जो है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उससे स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, तो ये जो स्मेल होगी ये जो है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगी। लिमिट वुड फायर एट होम, हमें अगर सर्दी लग रही तो हम इसे वुड फायर की बजाय हम वार्म क्लोथ जो है उनको यूज़ करेंगे, बिस्तर कंबल यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हमें ये वुड फायर बर्न नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। यूज़ ग्रीन पावर रिसोर्सेज, यहाँ में रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, बायो एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, सोलर एनर्जी है, तो हम इन सोर्सेज को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो है वह हम इन नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लिमिट कर सकेंगे जिनकी वजह से ये पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन एट होम, जब हमने घर को बनाना है तो हम उसमें एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन जो है वो इसको यूज़ करें, ताकि हमें जो है वो ज़्यादा हीटर ना यूज़ पड़े करना पड़े सर्दियों में, हमें गर्मियों में ज़्यादा एसी ना यूज़ करना पड़े, हमारा होम का डिज़ाइन ऐसे हो कि इसमें जो है वो कूलिंग और वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम हो वहाँ पे। और इफ़ वी आर लुकिंग फॉर द न्यू अप्लाइंसिस लाइक टीवी, डीवीडी प्लेयर, प्रिंटर, कंप्यूटर, स्कैनर, तो हम उसके लिए जो है वो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस जो है वो यूज़ करें। जैसे अभी एसी यूज़ हो रहा है तो वो इन्वर्टर एसी यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन्वर्टर क्या वो बिजली को बचाता है, और डेफिनेटली बिजली जो हम वो प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द कोल पावर जनरेशन और रेडियोएक्टिव पावर जनरेशन पावर प्लांट्स, तो उन पावर प्लांट्स से जो हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो हम वहाँ पे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। और हमारे रिसोर्सेज अगर हम डीसी इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो हमारे डेफिनेटली वो बच जाएंगे रिसोर्सेज। रिप्लेस ओल्ड कार विद फ्यूल एफिशिएंट कार, हाइब्रिड कार्स होती हैं, ठीक है, प्रियस इसमें है तो वो क्या करती है, प्रियस एक कार जो बैटरी पे चलती है, तो हम जो है ना वो मैक्सिमम उसको बैटरी से यूज करेंगे, तो हम जो है वो ये फ्यूल की हमारे लिए यहाँ पे बचत हो जाएगी। इसके कीप मोटर व्हीकल प्रॉपरली मेंटेन, हम अपनी गाड़ियों को जो है प्रॉपर मेंटेन करें, उनकी सर्विस हो, ताकि वो जो है वो नॉकिंग ना करें, ताकि वो ज़्यादा धुआं ना छोड़ें। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ कार बाइक, ये देखें यहाँ पे ये इतनी गाड़ियाँ कारें हैं, और यही लोग अगर बस पे सर्विस सफ़र करते तो इट विल बी अ फ्यू नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, तो इस वजह से भी जो इनके एमिशन जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक के जो पोल्यूटेंट इनका एमिशन जो है वो कम हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, अगर आप में कोई क्वेश्चन हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।